वक्त इंसान को कितना बदल देता है, इंसान के हालातों को कितना बदल देता है, लेकिन ये जो बचपन की यादें होती हैं, क्या ये वक्त उनको बदल पाता है? साइबरपंक रिलीज हो चुका है मुंबई में और उसका इनविटेशन मुझे मिल चुका है और मैं चाहता हूँ कि ये भी मेरे साथ चले। अभी कॉल करके देखता हूँ आएगा कि नहीं। हेलो, कौन बात कर रहा है? आवाज से पहचान लोगे तुम मुझे। मुफासा, कैसे याद किया मुझे? कुछ बात करनी है तुमसे, क्या हम वहाँ पे मिल सकते हैं जहाँ पे हम बचपन में मिला करते थे? मैं भी सोच रहा था बड़े दिन हुए, या फिर ये कहूँ साल हुए, मिलना हुआ नहीं हमारा। तो आ जाओ उसी जगह पे। और हाँ जनाब, ऑन ड्यूटी मत आना, जैसे बचपन में मिला करते थे वैसे ही बन के आना। चलो ठीक है, आ रहा हूँ मैं, मिलते हैं, बाय। बड़े सालों बाद इसने कॉल किया है, क्या वजह हो सकती है? देखते हैं क्या काम है इसे मुझसे। कैसे हो मुफासा, या फिर ये कहूँ कैसे हो मेरे दोस्त? दोस्त ही कहना, क्योंकि आज तो दोस्त ही एक दूसरे को मिल रहे हैं। मिल तो रहे हैं, लेकिन इतने सालों बाद तुमने मुझे याद किया, इसे कुछ खास वजह? मेरे दोस्त से मिलने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बट इतने सालों बाद याद किया इसलिए पूछ रहा हूँ। याद है बचपन में हम गेम्स के लिए कितने पागल हुआ करते थे? हाँ यार। वैसे ही एक गेम मुंबई में लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है साइबरपंक 2077। व्हाट, क्या बात कर रहे हो, साइबरपंक मुंबई में लॉन्च हो चुका है? हाँ, और उसका इनविटेशन भी मुझे मिल चुका है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। आओगे ना मेरे साथ? बचपन से आज तक कभी मैंने तुम्हें ना कहा है जो आज कहूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुफासा बनके नहीं, मेरे भाई बनके अगर चलोगे तो मैं साथ में चलूंगा। तुम्हारा भाई मैं कल भी था, आज भी हूँ और हमेशा रहूंगा। तो चलो फिर, देर किस बात की, चलो। तो शिवा पहुंच गए जगह पे, चल चलते हैं, गेम खेलते हैं और बचपन की यादें ताजा करते हैं। देखते हैं कि गेमिंग रिग कितनी पावरफुल है। सुना तो है वैसे मैंने, तो आज देख के आएंगे और खेल के भी आएंगे। देखते हैं चल कितना पावर है इसमें। ओ भाई, क्या तैयारी करके रखी है, और ये इतना बड़ा, और अंदर सामान जो है NVIDIA का GeForce RTX 3080 3000 सीरीज का परफॉर्मेंस ग्राफिक्स कार्ड। 3000 सीरीज ग्राफिक कार्ड, 10 जेन का CPU लगा हुआ है भाई, बहुत मजे आने वाले इसमें। चल देखते हैं कितना पावरफुल है इसमें बैठ के। और ना वॉलपेपर भी रखा है इन्होंने, बहुत तो अच्छी काम है यार। अबे मॉनिटर देख रहा तू, टर्फ गेमिंग 280 हर्ट्ज का मॉनिटर है। आइला वर्ल्ड फर्स्ट 280 हर्ट्ज मॉनिटर TUF गेमिंग, वो भाई साहब भाई मजे आने वाले हैं। चलिए चलो स्टार्ट कर दे। हर चीज इन्होंने क्वालिटी में ही रखी है। अरे अभी जस्ट प्रोलो मिशन कंप्लीट किया और फ्री रोम में गाड़ी लेके घूम रहा हूँ, मस्त 60 FPS आ रहे हैं, मजा आ रहे हैं। 60 FPS? अभी मेरे 150 FPS आ रहे हैं। उन्हें ग्राफिक्स लो रखे होंगे, मेरा सब कुछ हाई पे, एक काम कर सेटिंग्स पे जाओ। हाँ और चेक कर डीएलएस ऑन है क्या, जल्दी चेक कर, चेक कर, चेक कर सेटिंग्स पे, चेक कर जल्दी। कहाँ पे ग्राफिक्स में? हाँ ग्राफिक्स सेटिंग्स पे। हाँ यहाँ पे ऑफ है, ऑटो क्वालिटी बैलेंस परफॉर्मेंस, ओके परफॉर्मेंस पे रख दिया। सही है यार, 140+ FPS आ गए। देखा भाई, यही तो फायदा DLSS का, पता है DLSS 60% FPS बूस्ट कर देता है, और ये सिर्फ और सिर्फ RTX ग्राफिक कार्ड में अवेलेबल है। ओके, क्वालिटी भी सेम टू सेम दिख रही है, क्वालिटी भी दिख रही है, सही फीचर है यार ये, और एक डिटेलिंग क्या लग रही है, और ये जो रे ट्रेसिंग का इफेक्ट है ना, ये रिफ्लेक्शन, आए हाय हाय मजा ही आ जाता है।
देख मेरे को सारी चीजें अच्छी तो लग रही है बट कलर करेक्शन और रिफ्लेक्शन इतना मतलब खास नहीं लग रहा। तेरा रे ट्रेसिंग ऑफ होगा, चेक कर। रे ट्रेसिंग? हाँ रे ट्रेसिंग, ये आरटीएस की सीरीज में ही है। अभी ये तो ऑफ है बे। हाँ वो ऑन कर और फिर मजा देख कलर वाइब्रेंस बदलेगा, रोड के रिफ्लेक्शन दिखेंगे, लाइट के जो इफेक्ट होते हैं वो इनहांस होंगे। ठीक है ऑन 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 और इसको मैं अल्ट्रा करता हूँ। ठीक है ओ भाई ये लग रहा है आप सही देख, सारी चीजें कलर्स वगैरह इन्वेस्टेबिलिटी सब कुछ बेस्ट लग गया। नाइस आओ आओ आ गया आ गया। ये जेन 2 है ठीक है, ये आरटीएक्स जेन 2 है और नेक्स्ट लेवल है भाई, खतरनाक है ये, बहुत सही लग रहा है, बहुत सही। ले 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 बादशाह नाथ 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 इज्जत इज्जत। ओ यार मजा ही आ रहा है आज। अरे नाइस नाइस नाइस, चल 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 चल। यार मजा ही आ गया, इतनी पावरफुल गेमिंग रिग और ऊपर से ये मॉनिटर। मैं कंफर्म इसे ले रहा हूँ। यस हो गया खेल के, अभी अपने शहर में जाना पड़ेगा वापस, जहाँ पे हम दोस्त नहीं है। दोस्त तो नहीं लेकिन उम्मीद करता हूँ कि दुश्मन भी ना बने। बिल्कुल नहीं बनेंगे, चल चलते हैं। अगर आपको साइबरपंक 2077 खेलना है सेकेंड जनरेशन रे ट्रेसिंग के साथ में, जिसमें आपके गेम के रिफ्लेक्शंस, शेडोज और ग्लोबल इल्यूमिनेशन बखूबी नेक्स्ट लेवल दिखेंगे। एंड यू नो व्हाट, अगर आपको अपने गेम के फ्रेम रेट्स बढ़ाने हैं एआई के साथ तो आरटीएक्स सीरीज जीपीयू लीजिए। डीएलएसएस आपकी गेम को एआई में प्रोसेस करने के बाद सबसे अच्छा ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट देता है। तो जाइए ASUS GeForce RTX 3080 TUF लीजिए नीचे वाले लिंक से।